आप कहते हैं पुत्र से मुक्ति होती है, पुत्र का अर्थ ही यही है कि जो मुक्ति दिलाए। वेद में एक मंत्र आया है, याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया माम अद्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु स्वाहा। जिस बुद्धि का मेरे पूर्व जन और महापुरुष लोग उपासना करते हैं, उस मेधा से मुझे अभी का अभी वो मेधा दे दे। अर्थात मेरे पूर्वज जिस उत्तम कर्मों को करते थे, महान पुरुष आज के दिन जो उन्होंने उत्तम कर्म किए, तो आज के मनुष्य का कर्तव्य है कि मेरी बुद्धि भी वैसी हो जाए। तो वो जैसे एक्सीलेंस को, उत्तमता को ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उत्तम कर्म करते, वो जैसा उत्तम कर्म करते थे वो काम मैं भी करूं। अर्थात मैं संतान बन के, एज ए संतान, मेरा कर्तव्य है कि मेरे पूर्वज और महापुरुष लोग जैसा काम करते गए हैं मैं भी करूं। पुत्र शब्द जो अपने आप में है उसमें प और त्र दो अक्षरों का है। त्र जहां पर आता है, त्र का एक विशेष अर्थ होता है त्राण करना, जो रिलीफ करे, और प जो है उसको पाप से, पुण्य के द्वारा भी कहा जा सकता है। तो जो आपके परिस्थितियों से आपको त्राण कराए, तो पुत्र का अर्थ ही वही है जो आपको आपके बंधनों से मुक्ति दिलाए, परित्राण करे, जो तारणहार बने वही पुत्र है। पुत्र वो है ही नहीं जो आपका तारण ना कर सके, पुत्र बाय डेफिनेशन। तो आपने जो ये कहा कि पुत्र से मुक्ति होती है, पुत्र का अर्थ ही वही है, पुत्र शब्द का अर्थ ही वही है कि जो मुक्त करे। एक व्यक्ति का संसार में आने के बाद में दो प्रकार के कार्य होते हैं, स्वयं उत्तम कर्म करना और दूसरों के लिए उत्तम कर्म करने के लिए प्रेरणा बनाना, कुछ छोड़कर जाना। अपने लिए तो किया, दूसरे के लिए भी किया। तो दूसरे के लिए के किया में जो आपकी संतान हुई, उस संतान को भी अपने और अपने पूर्वजों के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अगर आपने ट्रेन किया, उसको वैसा बनाया, तो ये आपकी मुक्ति का कारण बन जाता है। तो आदर्श संतान जो है उसको हमने कहा पुत्र, पुत्र कोई भी हो सकता है। और इसीलिए हमारे यहां पर तो कहते हैं ना कि आप किसी अनजान माता का भी आप सहायता करो तो बोले तू तो मेरा पुत्र है। तो पुत्र यहां पर, पुत्र तो कोई भी अगर त्राण करे, जो भी आपको आपके दुख मुक्ति बाधा से, आपको संसार से दूर करे, संसार के सांसारिकता से, वो पुत्र है। इसीलिए हमारे यहां पर तो ईश्वर को भी पुत्र भाव के साथ में पूजने की परिपाटी है। तो यहां पर जो पुत्र शब्द है यह इसमें लिंग भेद नहीं है। यदि तुम संतान हो तो तुम पुत्र बनो, अर्थात तुम आदर्श बनो और अपने पूर्वजों के लिए, पूर्वजों को मुक्त करने का अर्थ क्या है, वह कार्य करो जो तुम्हारे पूर्वजों के कार्यों को भी गौरवान्वित करे। उन्होंने यहां तक ले गया तो आगे हम लेके जाएं हमारे, और तो उसमें पूर्वज और देवगण दोनों को जोड़ दिया, ताकि ये ना हो कि केवल आप अपने, बहुत सारे मूर्ख लोग केवल हमारा ब्लड लाइन ब्लड लाइन ब्लड लाइन लेकर करते हैं। ब्लड लाइन नहीं होता, ये संस्कार लाइन होता है।